हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सीटेट पास करने का बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सीटेट की परीक्षा का पेपर 1 और 2 दोनों ही पास कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर देख कर जाए। तो चलिए देखते हैं अपना ट्रिक। जैसे हम क्वेश्चन जब हमारा पेपर आता है तो उसमें जो हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, बच्चों के साथ चर्चा करना, कारण का पता लगाना, बाल केंद्रित करके सीखना, दृश्य श्रव्य सामग्री, हस्तपरक गतिविधि, दैनिक जीवन से जोड़ना, सृजनात्मक, मातृभाषा स्वीकार करना, भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग, अर्थपूर्ण अधिगम, विविध गतिविधि, सर्वांगीण विकास, दैनिक जीवन से जोड़ना, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आप आंसर भी पॉजिटिव ही देंगे। अगर क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे कि ये सारे वर्ड उसमें आए हुए कि नहीं, अगर ये वर्ड इनमें से कोई भी वर्ड आया है तो आप आँख मूंद करके सही कर सकते हैं। तो चलिए, ये रही पॉजिटिव टैग के बारे में। अब देखते हैं नेगेटिव टैग के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि उस पर नज़र रखेंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, तो प्रोत्साहित ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो सकता है सही। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, ये नेगेटिव है। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ये भी नेगेटिव है। तो देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा है और ये अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग पता है तो आप आसानी से राइट आंसर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव टैग के बारे में। सर, नेगेटिव टैग में अगर क्वेश्चन में हतोत्साहित होना, कठोर, याद करना, भय, सजा, शिक्षा केंद्रित, निष्क्रिय, उच्च शिक्षा, व्याख्यान करना, लैंगिक असमानता, ग्रेडिंग, अंक रटना, केवल मात्र ही, कंठस्थ, दंड, सजा, पुस्तक केंद्रित, ये सारे वर्ड आए हों तो आप जो है नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड है। यानी कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आपको आंसर में ये नेगेटिव वर्ड खोजना है। अगर मिल जाए तो आपको आसानी से आपका उत्तर मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें हम पॉजिटिव और जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टैग के बारे में, जैसे सम्मान, लगाव, सर्वांगीण विकास, व्यवहारिक कुशलता, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, समावेशी, कच्चा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग, संसाधन, ये सारे पॉजिटिव टैग हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ये पॉजिटिव टैग को लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ नेगेटिव टैग भी हैं, जैसे खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, बच्चे के विचार, त्रुटियों को महत्व ना देना, निष्क्रिय, कंठस्थ करना, रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक, शब्दावली सीमित। अगर ये क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में ये कुछ भी दिया है, तो आप उत्तर को आसानी से पा सकते हैं अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग के बारे में पता होगा तो। आप अच्छे से इस टैग को याद कर लीजिए और लिख लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा ट्रिक हम बताते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में ए दिया है, बी दिया है, ए और बी दिया है, उपरोक्त सभी दिया है, तो ठीक है, तो आपको आंसर उपरोक्त सभी मारना है। अगर ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और ए और बी दोनों दिया है, तो ऑप्शन आपको ए और बी मारना है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करने में ये जो दो ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, तो इसको आप याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, लिख कर याद कर लीजिए, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।